झुंझुनू में महिला सशक्तिकरण को लेकर आयोजित महिला सम्मेलन में राज्यविकास से जुड़ी 1000 से अधिक महिलाओं के लोन पारित हुए। साथ ही लखपति दीदी योजना, स्वयं सहायता समूह, नमो ड्रोन आदि योजनाओं के लिए महिलाओं को चेक वितरित किए गए। आर्थिक सहायता पाकर महिलाओं ने खुशी प्रकट करते हुए कहा कि वे इससे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेगी। सरकार ने हमारा एक बैंक खोला जिसको नाम है महिला निधि लोन, जिसके तहत हमें महिलाओं को 4,02,80,000 रुपए का ऋण मिला है आजीविका बढ़ाने के लिए। कि हमारी जो भजनलाल जी की सरकार है वो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य कर रही है और महिलाओं को इस बात की प्रेरणा दे रही है कि आप आगे बढ़ें और आप आत्मनिर्भर बने, जिससे कि देश सशक्त हो और राष्ट्र निर्माण में आपकी अहम भूमिका रहे। इस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है और बालिकाओं को संरक्षण और प्रोत्साहन की जो योजनाएं चलती है उनका लाभ जिले में सर्वाधिक मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 8 मार्च 2018 को बेटी बचाओ बेटी बचाओ और राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत झुंझुनू जिले से की थी। ये गर्व का विषय है। एक जो सरकार की महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उन सब का लाभ दिया जा रहा है।